वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस परेशान करे तो क्या करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस परेशान करे तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है। अगर पुलिस आपको परेशान करती है तो आप उसकी कंप्लेंट करें। आप उसकी कंप्लेंट एसपी के पास करें। एसपी के पास कंप्लेंट की जा सकती है, लेकिन आपस में जान पहचान होने की वजह से यहाँ पर रिलीफ मिलने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन आप 156 क्लोज 3 सीआरपीसी का इस्तेकाज़ा कोर्ट में पेश करें। जो कंप्लेंट की है आप उसकी एक कॉपी भी निकलवाएं और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी भेजें, क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई हो तो ये संस्था जवाब मांगती है। उसके बाद आप विजिलेंस डिपार्टमेंट यानी कि सतर्कता विभाग को भी कंप्लेंट करें। वहाँ पर आप एक लेटर भेजें और विजिलेंस डिपार्टमेंट भी पुलिस वालों से जवाब मांगता है। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो हर स्टेट के अंदर होता है। अगर पुलिस वाले पैसों की डिमांड करते हैं आप यहाँ पर कंप्लेंट करें, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल होता है। ये किसी भी डिपार्टमेंट के लोग अगर आपसे पैसे की मांग करते हैं तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में कॉल कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले पैसे में केमिकल लगाकर नोटों की एंट्री करते हैं, और जब आप सामने वाले व्यक्ति को पैसे देते हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि पुलिस वाले आपको परेशान करें तो आप उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।